हेलो, हेलो। आई एम रिकॉर्डिंग। हेलो जी, क्या हाल है? और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जर्मनी में ब्लॉक अमाउंट के पैसे जो हैं वो कैसे भेजे जा सकते हैं, कौन से पॉसिबल वेज हैं, सबसे सस्ता तरीका कौन सा है, महंगा कौन सा है, एंड आल्सो जल्दी वाला तरीका कौन सा है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह, अगर आपका वीज़ा अनफॉर्चुनेटली नहीं आता तो फिर पैसे वापस किस तरह लिए जा सकते हैं ब्लॉक अमाउंट वाले। तो बेसिकली 3 पॉसिबल वेज हैं पैसे सेंड करने के, लेकिन उससे पहले आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको फिनटीबा और क्रैकल का फ़र्क समझ आना चाहिए। अब और भी सर्विस प्रोवाइडर हैं लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली कॉमन यही है, फिनटीबा और क्रैकल, तो हम इसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फिनटीबा है वो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो कि फिनटीबा में जो आप अकाउंट खोलेंगे वो आपके अपने नाम पे होगा, जबकि क्रैकल में वो थर्ड पार्टी के नाम पे होगा, किसी अंग्रेज़ के नाम पे होगा, एलेक्स जॉनसन जो भी होगा, किसी और के नाम पे होगा, लेकिन अकाउंट वो आपके ही लोग यूज़ करते हैं तो वो भी रिलायबल है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा ये डिफरेंस हो गया कि क्रैकल जो है वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगता कि आपने ये पैसे किधर से कमाए हैं जो हमें सेंड कर दिए आपने। फिनटीबा कहता है कि भाई ले आओ जो है ना रसीदें, ले आओ पैसे किधर से कमाए, कहाँ से आए, इनकम प्रूफ दो, तो वो डॉक्यूमेंटेशन वाला मामला है उसमें। और साथ में ये कि फिनटीबा थोड़ा सा, फिनटीबा के पास चूँकि आई थिंक ज़्यादा केसेस होते हैं तो उनका सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, क्रैकल जो है वो जल्दी आपको प्रोसेस करता है, जल्दी आपको रिस्पांस भी देता है। और दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ब्लॉक अकाउंट जो है वो ओपन कब करना है। वेल तो ओपन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो असल मामला है कि पैसे कब देने हैं आपको। तो पैसों के लिए बेहतरीन सीन ये है कि पैसे तो आप 1-2 महीने 3 महीने इंटरव्यू से पहले भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने अडॉप्ट किया वो ये कि हर चीज़ तैयार रखो। जैसे ही एम्बेसी की अपॉइंटमेंट की ईमेल आपको आए कि ठीक है भाई आ जाओ, तो ऐसा होता है कि एम्बेसी जो है ना वो 3 हफ्ते बाद का टाइम देती है, तो हर चीज़ आप तैयार रखो। जैसे ही उसकी एम्बेसी की मेल आ जाए कि ठीक है इस डेट को आ जाओ, तो तब आपके पास 15-20 दिन होते हैं, तो आप उससे अगले दिन जाके पैसे ट्रांसफ़र कर दो और वो आपको कंफर्मेशन जो है वो 5-7-10 दिन में जितने में भी होगी वो आपको एम्बेसी जाने से पहले आपके पास आ जाएगी और फिर वो आप साथ लेके जाएंगे। तो अब बात करते हैं 3 पॉसिबल वेज़ के जिनके ज़रिए आप पैसे सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है लोकल बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र। अब लोकल बैंक अकाउंट से ऐसे ट्रांसफ़र होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है HBL में, मिज़ान बैंक में, फैसल बैंक में, जिसमें भी है, उसमें PKR में पैसे पड़े होते हैं आपके हैं या आपके वालिद के हैं या आपके स्पॉन्सर के हैं, तो अब आप ये कर सकते हैं कि वहाँ से PKR से यूरो में भेज सकते हैं। ये होता है FTT, फॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। तो ये आपके PKR से यूरो में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये हो गया पहला तरीका। अब इस तरीके में है क्या? इस तरीके में यही है कि आप बैंक, अपनी बैंक की ब्रांच में जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हमें एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए, उनको ब्लॉक अकाउंट कहेंगे तो उन्हें ब्लॉक अकाउंट का पता ही नहीं होता, तो उनको कहें एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए हमने पैसे बाहर भेजने हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये होता है कि बैंक वालों को पता नहीं होता, जो लोकल ब्रांचें होती हैं स्पेशली उनको नहीं पता होता कि ये क्या सीन है, कैसे बाहर भेजने हैं, तो आपने उनको यही कहना है एजुकेशनल के लिए। और साथ में ये भी आप कह सकते हैं कि हमें रेमिटेंस जो सेक्शन है उससे बात करनी है, अगर उसको नहीं पता चल रहा तो। रेमिटेंस सेक्शन को जो है ना वो नॉर्मली पता होता है कि पैसे इस तरह बाहर भेजे जाते हैं, तो वैसे मुश्किल है इस मामले में। एक तो बैंक वाले भी वो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा प्रोसीजर है उनके लिए भी जो वहाँ पे काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा प्रोसीजर है, तो इसे अवॉइड करते हैं। तो पहले तो ये कोशिश करें कि अगर कोई किसी बैंक में आपका जानने वाला है और आपका है भी उसी का, तो उससे रब्ता कर लें, वो आपको ये कर देगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने सुना है कि मिज़ान बैंक, फैसल बैंक या MCB ये वाले ईजीली कर देते हैं। तो जो ये तरीका है ये सबसे सस्ता तरीका है एंड आल्सो रिलायबल तरीका भी है, और आपको रेट भी अच्छा मिलता है और बैंक चार्जेस भी कम होते हैं। लेकिन इसमें एक मामला है कि जब आप क्रैकल के लिए पैसे सेंड करेंगे तो बैंक वाले कहेंगे भाई ये PKR किसको सेंड कर रहे हो, ये थॉमसन कौन है, ये वो किसी और के नाम पे होता है ना, तो उस मामले में थोड़ा सा मसला आता है। लेकिन अगर फिनटीबा में है आपका तो वो तो आपके अपने नाम पे अकाउंट है, तो उसमें ये इजीली हो जाता है और लोग करते हैं इस तरह। अच्छा, आप चलते हैं सेकंड तरीके पे, और सेकंड तरीका जो है वो है फॉरेन करेंसी अकाउंट। एक एक्सटर्नल अकाउंट खुलवाते हो, एक्सटर्नल नहीं क्या कहेंगे उसे, फॉरेन अकाउंट खुलवाते हो जिसमें डिफरेंट करेंसीज आप रख सकते हो, और ये वाला जो आपने खुलवाना है वो यूरो वाला कराना है, यानी यूरो अकाउंट आपने खुलवाना है। तो इसमें ये होता है कि अब आप यूरो बाय करेंगे और उस अकाउंट में यूरो रख देंगे। अब जो ट्रांसफ़र होगा आपका वो भी FTT होगा, FTT फॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, लेकिन ये होगा कि आपका आप यूरो से यूरो में जा रहे हैं। आपके पास यूरो पड़े थे आपके बैंक अकाउंट में और अब उधर यूरो में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, और इसमें बैंक वालों को भी पता होता है कि यूरो से यूरो जा रहे हैं, तो इट्स ऑल राइट। एंड आल्सो इसमें वो क्रैकल वाले मामले में भी थोड़ा सा नरम हो जाता है कि यूरो यूरो में ही जा रहा है, तो वो भी ठीक है। और फिनटीबा में तो वैसे ही हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपके लिए ये है कि ये थोड़ा सा, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अगर फॉरेन अकाउंट नहीं है तो फिर अगर आप वो FC अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम ऐसे टाइम नहीं लगता, खुल जाता है जल्दी, लेकिन जब आप ट्रांसफ़र करेंगे पैसे उधर
तो वो कहते हैं, बैंक वाले कहते हैं कि कुछ दिन, हर बैंक की वैसे डिफरेंट पॉलिसीज हैं, कुछ कहते हैं कि 15 दिन, कुछ कहते हैं 30 दिन जो है वो अमाउंट पड़ी रहे, और फिर अगर आप भेजेंगे तो फिर चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप फ़ौरन अकाउंट खुलवाएंगे, पैसे डालेंगे और फिर फ़ौरन भेज देंगे तो उस पर कुछ 3-5% टैक्स लगेगा। तो ये डिफरेंट पॉलिसी है, तो ये आप चेक कर लेंगे। एंड ऑल्सो इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट कि जो FC अकाउंट है वो फाइलर होंगे तभी खुलेगा, मतलब फाइलर होना इसके लिए लाजमी है। तो ये थोड़ा सा जो प्रोसीजर है ये है आसान तरीका, उसकी नस्बत पहले की नस्बत, अगर पहले वाले आपको नहीं करके दे रहे या उनको पता नहीं है, तो ये वाला तरीका जो है ये है आसान, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है कि आपको थोड़े पैसे रखने हैं उसमें, एंड आल्सो आपको फाइलर होना भी ज़रूरी है इसमें। अच्छा, आप चलते हैं तीसरे तरीके पे, जो कि मैंने यूज़ किया, जो कि सबसे आसान तरीका है, आसान तरीका है लेकिन महंगा तरीका है, मतलब और कोई ये वाला काम नहीं कर रहा, फॉरेन वाला भी नहीं काम कर रहा, ये लोकल वाला भी काम नहीं कर रहा। तो फिर आप जाएंगे एक्सचेंज पे, एक्सचेंज वालों को कहेंगे भाई ये लो पैसे भेजो उनको, तो एक्सचेंज जो है वो एक्सचेंज वाले तैयार बैठे हैं, वो चूँकि अक्सर प्राइवेट एक्सचेंज होती हैं, तो आप बस उनको फ़ोन करें और कहें कि यूरो का क्या रेट है, मुझे इतने पैसे भिजवाने हैं, तो वो आपको कॉल बैक करेगा, उसे पैसे चाहिए। तो ये वाला जो है ना, इसमें कस्टमर सर्विस एक तो अच्छी हो जाती है, और दूसरा ये कि आपको यूरो का जो रेट है वो महंगा मिलेगा, जो करंट यूरो का रेट है उससे 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे पर यूरो। तो इसमें कोई 30-40 हज़ार जो है वो ज़्यादा आपके लग जाते हैं। तो खैर, मैंने ये अडॉप्ट किया था क्योंकि वो चल नहीं था रहा एंड फाइलर नहीं था, तो फिर मैंने ये एक्सचेंज वाला यूज़ किया। एंड एक्सचेंज में आप NBP एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो या वेस्टर्न यूनियन, वैसे NBP अच्छी है। NBP में ये है कि आप एकदम पैसे सेंड कर सकते हो, जो फिनटीबा है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो है ना पैसे एक ट्रांजैक्शन में भेजने हैं, लेकिन क्रैकल में आप मल्टीपल भी कर सकते हो। तो वेस्टर्न यूनियन पे आई गेस 5,000 या 6,000 यूरो पे लिमिट है, लेकिन NBP एक्सचेंज जो है वो अच्छा सीन है। लेकिन आपने इसमें ये करना है कि डिफरेंट एक्सचेंजेस के पास जाना है, मतलब डिफरेंट ब्रांचेज के पास जाना है, जिस तरह NBP की डिफरेंट ब्रांचेज के पास आप चले जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या रेट है, तो जो आपको बेस्ट रेट दे वो आपने लेना है। वैसे नॉर्मली यही होता है कि एक ही रेट होता है, लेकिन वो अंदर एजेंट बैठे होते हैं ना, तो रेट जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, तो आपने ऐसे जो है ना उनको कॉल कर लेनी है और उनसे रेट पता कर लेना है डिफरेंट से, जो अच्छा रेट दे रहा है उसके पास जाना है। वैसे आप जा भी सकते हैं, फिज़िकली भी जा सकते हैं, लेकिन कॉल पर भी ये काम चल जाता है। लाहौर में भी ब्रांचेज हैं, इस्लामाबाद में भी और जगह भी होंगी। मैंने लाहौर की कोई ब्रांच यूज़ की थी NBP एक्सचेंज की। तो ये तो सारा हो गया कि किस तरह हम तीन तरीक़ों से पैसे भेज सकते हैं। अब ज़रा चलते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि इस सारे पैसे भेजने के लिए काम आएंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो इसमें आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए, जर्मन यूनिवर्सिटी का, और साथ में स्पॉन्सर की ID या उसके साथ अगर अबूनी है वो फिर उनका FRC ताल्लुक साबित करने के लिए, और अगर फिर और इसके अलावा जो है ना आपको एक और चीज़ चाहिए, एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन शीट। एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन शीट जो है आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उनको ईमेल कर सकते हैं अगर उनकी वेबसाइट पे नहीं दी हुई तो। और साथ में एक और चीज़, एक और लेटर भी होता है जो ये बयान करता है कि जो ब्लॉक अमाउंट है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हो। वैसे ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन शीट और ये ब्लॉक अकाउंट एज पार्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये मैंने नहीं यूज़ किए, लेकिन ये पहले दो तरीकों में जो कि बैंक वाला है वो आपसे मांग सकते हैं, आप उनको कन्विंस करने के लिए वो दिखा सकते हैं कि वाकई एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा और डॉक्यूमेंट देखा जाए तो जो ब्लॉग जो फिनटीबा या क्रैकल का जो भी लेटर होगा जिसमें वो बयान कर रहे होंगे कि इतने पैसे इस अकाउंट पे भेज दो, तो वो भी आपको चाहिए। और इसके अलावा एक वो भी कि अगर आप एक्सचेंज से भेज रहे हैं तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, क्योंकि जो बैंक से करेंगे तो उनके पास ऑलरेडी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन एक्सचेंज से करेंगे तो वो बैंक स्टेटमेंट भी आपसे मांगते हैं। तो आपने करना यह है कि एक्सचेंज से अगर भेज रहे हैं तो, बल्कि जिस तरीके से भी भेज रहे हैं, सुबह सुबह जल्दी जाएँ, 9 बजे 10 बजे चले जाएँ, क्योंकि पहला तरीका यूज़ कर रहे हैं लोकल अकाउंट वाला, तो उसमें आपको जो यूरो रेट है वो 3 बजे ट्रेड बंद हो जाती है, मतलब रेट आपको वो मिलता है। तो आपने जल्दी जाना है इन सारे प्रोसेसेस के लिए, एक्सचेंज वाले मामले में भी, और साथ में चेकबुक भी लेके जाएँ सारे केसेस में। चेकबुक में यह है कि आप लिखेंगे कि इतने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और वो फिर आपके या जो स्पॉन्सर का अकाउंट होगा उससे डिटेक्ट हो जाएंगे और ट्रांसफ़र हो जाएंगे उधर। और जब वहाँ पे पहुँचेंगे क्रैकल या फिनटीबा में, तो फिनटीबा ने मुझे कुछ 2-3 दिन बाद कंफर्मेशन दे दी थी, क्रैकल भी ऐसे ही 1-2 दिन में दे देता है कंफर्मेशन के ठीक है पैसे आ गए, ये लो डॉक्यूमेंट और एम्बेसी पहुँचो। इतना आसान भी नहीं है, अभी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट भी करने हैं उसको फिनटीबा के केस में। फिनटीबा के केस में ये होगा कि आप जब पैसे भेज देंगे तो उनके पोर्टल पे ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे इनकम प्रूफ सबमिट करो, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट सबमिट करो, और यहाँ पे ये सबमिट करो। तो जो आपने पैसे जहाँ से कमाए या जिसके हैं स्पॉन्सर के, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको सबमिट करने होते हैं, तो उसके बाद वो आपको कन्फर्मेशन देते हैं और फिर वो कहते हैं चलो अब जाओ एम्बेसी में। अच्छा, आप लास्ट में चलते हैं कि अगर आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर क्या करना है। तो फिर आपके वो अपने ही पैसे हैं, आपको वो वापस मिल जाएंगे अगर आप भेज भी चुके हैं तो। उसमें सीन ये करना है कि सबसे पहले अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अगर इनरोलमेंट कराई हुई है तो वो कैंसिल कराएं कि भाई वीज़ा ही नहीं मिला तो कैसे आएँ।
तो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आप एम्बेसी को ईमेल करेंगे कि भाई वीज़ा तो रिजेक्ट कर दिया, आप एक डी लेटर भी दे दो। डी लेटर उसको कहते हैं, और डी लेटर वो आपको दे देंगे और वो आपने भेज देना है फिनटिवा या कोरेकल को, और उन्हें कहना है भाई ये पकड़ो, हम नहीं आ रहे, पैसे वापस करो। तो वो आपके पैसे फिर वापस भेज देते हैं उसी अकाउंट पर जिससे वो उन्होंने डिटेक्ट किए थे। अगर बैंक से किए हैं, एफसी अकाउंट से या लोकल बैंक से, तो वो वापस उसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर एक्सचेंज से किए हैं तो फिर वो एक्सचेंज में आएंगे, मतलब वो जिससे गए हों उसी तरीके से आते हैं। लेकिन अगर आपने तरीका चेंज करना है, मतलब एक्सचेंज से भेजे थे लेकिन अब आप अपने अकाउंट में लेना चाह रहे हैं, तो फिर वो उसका डिफरेंट प्रोसीजर है। फिर आप फिनटिवा को ईमेल करेंगे कि भाई उस अकाउंट में नहीं चाहिए, अब हमें इस अकाउंट में चाहिए। तो फिर थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप्स हो जाएंगे, वो आपको कंफर्म करेंगे कि वाकई आप ही वो बंदे हैं वो जिसमें पैसे मंगवा रहे हैं, वो आपका ही अकाउंट है। तो कचहरी जाना पड़ेगा, को साइन शाइन करवाने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा यानी वेरीफिकेशन पर्पज़ चलेगा। और उसके बाद फिर वो आप अपने अकाउंट में भी वो पैसे वापस ले सकते हो। तो या दैट वॉज इट फॉर टुडे, और आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल, एंड इफ़ दिस इज़ द केस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।